एक जगह है कोकण रूट, और या मैं कहूँ बैंगलोर टू मैंगलोर की ट्रेन जर्नी, जहाँ पर आपको मिलेंगे टनल्स, ब्रिजेस और इतने ऑसम व्यूज़ विथ ग्रीनरी। और एक जगह है जोधपुर टू जैसलमेर की जर्नी, पूरी तरह से वीरान और रेत से भरा हुआ। ये है हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। तो आपके लिए अब मैं लेकर आया हूँ ये लाजवाब जर्नी। इस जर्नी को आप डेंजरस कह लीजिए, ब्यूटीफुल कह लीजिए, थ्रिलिंग कह लीजिए, चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम है आपको दिखाना। शुरू करें? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं, कम ऑन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए। डिस्टेंस आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 5 घंटे, और आपके लिए एंटरटेनमेंट। शुरू करें? तो कम ऑन, वर्चुअली मेरे साथ ट्रैवल कीजिए फ्रॉम द ब्लू सिटी टू द गोल्डन सिटी। आप ये देखिए, पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट। राजस्थान ज्योग्राफिकली इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, और जानते हैं इस राज्य में आप एक ऐसी ट्रेन जर्नी कर सकते हैं जो पूरे इंडिया में आप कहीं नहीं कर सकते। अब तक ना जाने मैंने आपको कितनी ट्रेन जर्नीज दिखाई, बट ट्रस्ट मी, ये ट्रेन जर्नी एकदम अलग है। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। पहले टाइम देख लीजिए, इट इज़ ऑलमोस्ट 6:50, जो मेरी ट्रेन है दिस इज़ 04810। हम पहुँचेंगे जैसलमेर आई गेस 12:40 के आसपास। ये है जोधपुर जैसलमेर स्पेशल एक्सप्रेस, बिकॉज ट्रेन अभी बिल्कुल स्टेशन पर आई है। यहाँ पर इसकी क्लीनिंग वगैरह सब की जा रही है। ऑफिशियल हॉल्ट मैं आपको बता दूँ 4, और ये है डेजर्ट एक्सप्रेस। देखो ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट बिकॉज हम डेजर्ट थार डेजर्ट क्रॉस करने वाले हैं राजस्थान का, तो इसको नाम दे दिया है डेजर्ट एक्सप्रेस। जर्नी शुरू होने दीजिए भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जर्नी आप कह सकते हो इन इंडिया। मैंने पहले भी आपको वीगो के बारे में बताया है। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एडवेंचर्स की टिकट बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, और आपके सामने लेकर आता है बिल्कुल चीपेस्ट फेयर्स, ताकि आपकी ट्रिप हो सके बजट फ्रेंडली। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, जल्दी से मैं आपको बता दूं। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, और जो आपका डिपार्चर स्टेशन है, अराइवल स्टेशन है, विथ डेट ऑफ जर्नी एंटर कीजिए, और जो ट्रेन आपको पसंद आए उसको बुक कीजिए। बट हाँ, एक टिप मेरी तरफ से, जिस भी रूट पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन टिकट बुकिंग करने से पहले एक बार वीगो पर फ्लाइट ज़रूर चेक कीजिएगा, बिकॉज वीगो कभी कभी आपके सामने लेकर आता है एकदम सस्ती फ्लाइट। तो भाई आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मैंने टिकट बुक की है वीगो के थ्रू, आप भी कीजिए और ट्रैवल कीजिए वीगो के साथ। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, ट्रैवल कीजिए विथ वीगो। राजस्थान के मैंने अब तक जो स्टेशंस कवर किए हैं, जयपुर हो गया, जयपुर दुरंतो आप देख सकते हो, बीकानेर मैंने कवर किया है, और आज जोधपुर में आया हूँ पहली बार। जोधपुर का आपको बता दूँ, स्टेशन कोड है JU, और ये ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये स्टेशन, यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 प्लेटफॉर्म्स। करंटली हम खड़े हैं, हमारी ट्रेन 04810 खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बाय एनी चांस अगर आप इस ट्रेन में जर्नी प्लान कर रहे हो, ये वाली डेजर्ट एक्सप्रेस अगर आप प्लान कर रहे हो, तो कोचेस का मैं आपको बता दूं, स्लीपर की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 200 रुपीज़, थर्ड एसी की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 500, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में, इसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। और अब तक आप समझ चुके होंगे ये LHB कोचेस नहीं है, दिस इज़ ICF कोचेस। सोचिए, आई गेस बड़े मतलब लंबे टाइम बाद मैं ICF कोचेज में ट्रैवल कर रहा हूँ। पैसेंजर कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 42 पैसेंजर्स, और इसको बनाया गया है बाय ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। सोचिए, अब तक LHB कोचेज नहीं है। मैं तो आपसे भाई इतना ही कह सकता हूँ,
जर्नी में मज़ा आने वाला है। जोधपुर स्टेशन टोटली नॉन इलेक्ट्रीफाइड, आगे डीजल लोको है। देखो कोशिश मैं करूँगा अगर मैं आपको लोको भी दिखा पाऊँ, बिकॉज जर्नी आई गेस ट्रेन बस अगले 5-10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये टाइम देख लीजिए, इट इज़ शार्प 7:05, जोधपुर स्टेशन से रवाना होने के लिए तैयार है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूँ, इस वाले ब्लॉग में भी आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं दोस्त, आपको मिलेगा ढेर सारा इंफोटेनमेंट। इस जर्नी में मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, लेट्स सी। और आपको बता दूँ, सेकेंड एसी में राइट नाउ आई गेस हम सिर्फ 3 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। भाई मज़ा आने वाला है, दिस इज़ हैशटैग ट्रैवल रियल इंडिया। हार्डली 3 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद ये है हमारा पहला स्टॉप। हम पहुंच चुके हैं रायकाबाग पैलेस जंक्शन, स्टेशन कोड है RKB। और आपको बता दूँ यहाँ पर जो उसका स्टेशन का एलिवेशन है, मतलब ये लोकेटेड है ऑलमोस्ट 237 मीटर्स एबव द सी लेवल। और ये वाला स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। और बिकॉज जंक्शन है तो यहाँ पर आपको मिलेंगी 3 से 4 लाइन, जोधपुर जयपुर लाइन है, जोधपुर जैसलमेर लाइन है, जोधपुर लूनी सेक्शन है, और फिर एक और है जोधपुर भटिंडा लाइन। और हम चल रहे हैं जोधपुर जैसलमेर लाइन पर, आप देखिए सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। जर्नी हमारी चल रही है और बिकॉज हम चल रहे हैं सिंगल लाइन पर नॉन इलेक्ट्रीफाइड, तो अब यहाँ पर हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है। मैं आपको बता दूँ हम खड़े हैं, ये स्टेशन है तिवारी, बिल्कुल उसके आउटर पे खड़े हैं। बिकॉज सिंगल लाइन है तो आई गेस उस तरफ से अब कोई ट्रेन आ रही है, और जब तक वो ट्रेन क्रॉस नहीं होगी हमको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। गेट पर खड़े होकर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल ईमानी मुँह में ऐसा रे मतलब मिट्टी भर गई है भाई, फेस भी बार बार मेरे को वॉश करना पड़ेगा, ऐसा लगता है ना। आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनिए, इसमें एक ही सेकंड एसी कोच है जिसमें 2 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, 4 थर्ड एसी कोच है, हर कोच में 2-2 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इंडियन रेलवेज़ की राइट नाउ 5 कोचेस में 10 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। पूरी ट्रेन आप मानिए ऑलमोस्ट खाली जा रही है, दादा बता रहे हैं
04810, ये शायद पहले नाइट में रन होती थी, अब इसका टाइम चेंज किया गया है। तो इनकेस अगर आप ये जर्नी प्लान कर रहे हो, बिकॉज नाइट की भी ट्रेन्स हैं, रानीखेत है, फिर दादर से ट्रेन है, हावड़ा से भी ट्रेन है, बट जस्ट मेक श्योर जब आप ये थार डेजर्ट क्रॉस करो तो आपको मिले डे की जर्नी, ताकि आप ये व्यूज़, ये डेजर्ट आप एंजॉय कर पाओ। अभी आई गेस डेजर्ट की क्या है ना, शुरुआत नहीं हुई है, बिकॉज अभी भी मैं ग्रीनरी दे सकता हूँ, पेड़ दे सकता हूँ। लेट्स सी अभी थोड़ा अब देखते हैं आगे हमें डेजर्ट कहाँ से मिलता है। बट पूरे कोच में जिसमें 48 पैसेंजर की कैपेसिटी है, सिर्फ 2 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल वाइज आप खुद होशियार हो, आप सोचो। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं फलौदी जंक्शन। आपको बता दूं, ये जाना जाता है एज सॉल्ट सिटी। यहां पर पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन्स रुकती हैं। यहां पर आपको मिलेंगे 3 प्लेटफॉर्म्स, और बिकॉज ये है जंक्शन तो यहां पर 2 लाइन है, एक जिस पर हम चल रहे हैं जोधपुर जैसलमेर लाइन, और दूसरी है बीकानेर जैसलमेर लाइन। आप ये स्टेशन देखिए, और आपको बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइग्रेटरी बर्ड जिसको कहा जाता है, बहुत फेमस है, कुर्जा यानी कि क्रेन। और राजस्थान के बारे में एक और फैक्ट, राजस्थान इंडिया का हाईएस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सोचिए, एक जगह ये वाले स्टेशन देखिए, एक जगह मुंबई सेंट्रल देखिए, एक जगह सूरत देखिए, एक जगह न्यू दिल्ली देखिए। दिस इज़ हैशटैग रंगीलो राजस्थान। और अभी तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये डेजर्ट और डेंस होता जाएगा। कोशिश पूरी है जितने भी मैं व्यूज़ आपको दिखा पाऊँ। ये है हमारी जर्नी का एक और स्टॉप, रामदेवरा, जिसको नाम दिया गया है फ्रॉम बाबा रामदेव पीर। जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, कोई और। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये स्टेशन आता है जोधपुर डिवीज़न के अंडर में, और इस स्टेशन पर हॉल्ट होती हैं लगभग 15 ट्रेन्स। और एक चीज़ आपको बता दूँ, इस गांव की पॉपुलेशन एज़ पर 2011 सेंसस थी ऑलमोस्ट 10,000। अब जानते हैं रामदेवरा के बारे में, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। यहाँ की ग्राम पंचायत है वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव ग्राम पंचायत ऑफ राजस्थान, बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट इतने आते हैं, डिवोटीज इतने आते हैं। दोस्त आप ये जर्नी करो, मतलब अलग ही लेवल है। दूर दूर तक, मानो रेलवे ट्रैक्स के बाजू में दूर दूर तक कोई लाइफ नहीं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क, एक एनिमल है जिसको नाम दिया गया है शिप ऑफ द डेजर्ट। लेट्स सी अगर आप गेस कर सकते हो कौन सा एनिमल है। अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके जवाब बताइएगा जरूर। अगर आपको ट्रेन जर्नी पसंद है, अगर आप ट्रेन लवर हैं दोस्त, मैं तो ज़रूर कहूँगा ये वाली ट्रेन जर्नी आप अपनी बकेट लिस्ट में डालिए और जितना जल्दी हो सके ट्रैवल कीजिए। यहाँ तो ड्रोन होना, ड्रोन के शॉट्स तो भाई अलग ही मज़ा आएगा। अगर आप ये वाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, 2-3 चीज़ ध्यान रखिए। फूड कैरी कीजिए, पानी की बॉटल कैरी कीजिए, बिकॉज आपको स्टेशन पर खरीदने का मौका मिले ना मिले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट द क्लोथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हो नवंबर दिसंबर, वार्म क्लोथ्स कैरी कीजिए, बिकॉज रात को 8-9 बजे यहाँ डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट। आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर क्या हाल हो जाएगा। AC में आप सोचिए ये हालत है,
जो नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं एंड दोज हु आर क्रॉसिंग दिस डेजर्ट, भाई उनको सल्यूट है सीरियसली। मैं बाहर गेट पे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये मानिए फेस ऐसा हो गया है और धूल इतनी जाती है कि पूछिए मत। पूरे सेकंड एसी कोच में सिर्फ दो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं भाई, यहाँ हो रही है हमारी मौज। और ये है हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट स्टॉप। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी बिकॉज ये हवा बहुत चल रही है। अब हम पहुंच चुके हैं पोखरण जंक्शन, स्टेशन कोड बता दूं POK, अगर आपको याद हो। दिस इज़ द टेस्ट साइट फॉर इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन, येस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोखरण फोर्ट, जो कि एक अब हेरिटेज होटल की तरह रन किया जा रहा है बाय द रॉयल फैमिली ऑफ पोखरण। और ये है इस स्टेशन की दूसरी साइड, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा दूर दूर तक आप जहाँ तक देखोगे ना सिर्फ जंगल ही जंगल। ऑफिशियल टाइमिंग है 10:10, आई गेस लगभग 10 से 15 मिनट हम लेट चल रहे हैं, और बिकॉज लगभग 5.5 घंटे की जर्नी है तो इसका लोको पायलट गार्ड दोनों चेंज नहीं होंगे, बस नॉन स्टॉप जाएंगे टिल जैसलमेर। मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था यहाँ तो लोको चेंज किया जा रहा है, अब तक लोको इस साइड था, अब लोको चेंज किया जा रहा है उस साइड, लोको दिखाने दो। अब आई गेस यहाँ पर बिकॉज लाइन चेंज हो रही है ना। चुका है लोको इस तरफ, डीजल लोको, अब ट्रेन कभी भी डिपार्ट हो सकती है। तो मैं आ गया हूँ अपने कोच में, यही है हर रूट पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है दोस्त, यही तो है हैशटैग इंडियन रेलवेज। मैंने आपसे पहले भी कहा है हर जर्नी आपको कुछ नया सिखाती है, इसलिए ट्रैवल करते रहिए। बिकॉज ऑफ कोविड मैं समझता हूँ लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो प्लीज़ फॉलो ऑल द गाइडलाइंस और हैंड्स सैनिटाइज करते करते हाथ भी मानो ऐसे हो गए हैं, पूछिए मत। वहाँ लाइन चेंज की, डीजल इस तरफ डाला गया, जर्नी की शुरुआत हुई और वापस हम आए। हम हैं नॉन इलेक्ट्रिफाइड सिंगल लाइन पर, स्टेशन का नाम है ओडनिया चाचा कुछ करके। आप ये स्टेशन देखिए, दूर दूर तक कह रहा हूँ, देखो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। कुछ दिन पहले, मुश्किल से 4 या 5 दिन पहले मैं था मैंगलोर टू बेंगलोर की ट्रेन जर्नी कर रहा था, वहाँ पर थे वाटरफॉल्स, ब्रिजेस, कर्व्स वगैरह। 4 या 5 दिन बाद मैं हूँ बिल्कुल डेजर्ट, थार डेजर्ट के बीच राजस्थान। अरे तो लगता ही नहीं यार, मतलब दिस इज़ टोटली अनबिलीवेबल। आप देखो ये चीज़, बस देखो जैसे कोई ट्रेन आ रही है, जब तक वो ट्रेन क्रॉस नहीं हुई, गार्ड साहब भी उतर चुके हैं, जब तक वो ट्रेन क्रॉस नहीं हुई आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। दोस्त अगर कंटेंट में मज़ा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना। We'll be right back.
गोल्डन सिटी जैसलमेर में आपका स्वागत है। उम्मीद है तो साउंड क्लियर है, यहाँ भी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं आपको बता दूँ, हम आए हैं बिफोर टाइम, ऑफिशियल टाइम है 12:40, राइट नाउ इट इज़ 12:30। और भाई डेजर्ट देख देख के ना दिमाग बिल्कुल ऐसा चकरा गया है। अब चीज़ तो आपको बता दूँ, अब यहाँ से मैं यही ट्रेन वापस लेके जा रहा हूँ जोधपुर, बिकॉज जो मेरी नेक्स्ट जर्नी है वो है जोधपुर से। तो अगर आप देखोगे मैं अपना सूटकेस कैरी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं छोड़ के आया हूँ होटल पे। ठीक है, बस दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए उनके साथ जो इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं। अगर ये हमारी पहली मुलाकात है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ट्रैवल करते रहिए मेरे साथ और वर्क फ्रॉम होम करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। ये ट्रेन जाएगी यहाँ से 2 बजे और मैं जोधपुर पहुँचूँगा लगभग रात को 8 बजे के आसपास, 0409 समथिंग। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं। टाटा।